सभी देख रहे हैं द न्यूज इंडियन और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। ये शहर हमें जितना देता है बदले में कहीं ज्यादा ले लेता है। लकीरें बहुत अजीब होती हैं, खाल पर खिंच जाए तो खून निकाल देती हैं और जमीन पर खिंच जाए तो सरहदें बना देती हैं। आज इस खास सेगमेंट में हम बात करेंगे इरफान खान की। जो डायलॉग्स अभी आपने सुने वो इरफान खान के चुनिंदा डायलॉग्स में से हैं। जब गुस्सा आए ना उसको अपना थ्रोट ऑफर कर देना चाहिए, राइट? ये शहर हमें जितना देता है बदले में कहीं ज्यादा हमसे ले लेता है। I suppose in the end the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. ऐसे कई डायलॉग्स और कई फिल्में इरफान खान ने अपनी 53 वर्ष के जीवन में बनाई थी। जो एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने आप को किसी दायरे में बंद करके रखना कभी नहीं सीखा। हर जॉनर में इरफान खान के अंदर का कलाकार दर्शकों को देखने के लिए मिला। इरफान का जन्म 7 जनवरी 1966 में राजस्थान के टोंक में हुआ। बचपन से ही इरफान खान एक क्रिकेटर बनना चाहते थे लेकिन उनकी वालिदा और वालिदैन को ये कभी मंजूर नहीं था। इसके बाद उन्होंने रुख किया फिल्मी जगत की तरफ क्योंकि उनके दोस्त उन्हें मिथुन चक्रवर्ती जैसा बताया करते थे, जिस कारण उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस बनता था कि उनका चेहरा फिल्मों में आने लायक है। इरफान एमए कर रहे थे लेकिन उनका मन एक्टिंग की तरफ झुकता जा रहा था। किसी ने बताया कि एक्टिंग सीखने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेना जरूरी है। इसके बाद उन्होंने पहले ही प्रयास में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर दिया। इरफान ने अपने कॉलेज की साथी और अपनी डायलॉग राइटर सुतापा सिकंदर से 1995 में शादी कर ली। उनकी पत्नी बताती हैं कि कॉलेज में जब सब मजे कर रहे होते थे तो इरफान देर तक किताबें पढ़ा करते थे और उनकी आदत आजीवन यही रही। रात के 3 बजे तक वो किताबें पढ़ते और आंखों के नीचे गड्ढे आने के बावजूद भी वो अपनी इस आदत से पीछा नहीं छुड़ा पाए। शायद यही कारण था कि वो किसी भी किरदार में जान फूंकने में कामयाब हुए। इरफान की फिल्मी करियर की शुरुआत सलाम बॉम्बे, जो 1988 में बनी फिल्म थी, उसमें एक छोटे से किरदार से हुई। पूज्य माता जी, सादर चरण स्पर्श, यहाँ सब कुशल है, आशा है आप भी कुशल पूर्वक होंगी। मेले से मैं भागा नहीं, पान मसाला लेके वापस आया तो वो लोग चले गए थे। किसको पता था कि ये कुछ लाइनों का किरदार आगे चलकर सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नाम कमाएगा। जुरासिक पार्क, लाइफ ऑफ पीआई जैसी फिल्मों में अपना हाथ इरफान ने आजमाया था। इरफान की मूवी आई द लंच बॉक्स जो 2013 में बनी, जिसके चलते उन्हें यूएसए में 4 महीनों तक रुकना पड़ा। इरफान की वो एक ऐसी फिल्म थी जिसने टोरंटो फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड जीता। इरफान की 2 फिल्म स्लमडॉग मिलियनर और लाइफ ऑफ पीआई ने एकेडमिक अवार्ड जीते। 2015 में फिल्मी जगत में अपने कंट्रीब्यूशन को लेकर उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन राजस्थान के एक छोटे से गांव से निकलकर बॉलीवुड और हॉलीवुड का सफर तय करना इतना आसान नहीं रहा था। उतार चढ़ाव आए लेकिन फिल्मी जगत को और दुनिया को इरफान ने हमेशा अपनी कलाकारी से एंटरटेन किया। इस महान कलाकार को कैंसर जैसी बीमारी ने घेर लिया। दुनिया भर में घूमने के बाद जब ये बीमारी ठीक नहीं हुई तो 29 अप्रैल 2020 को महान कलाकार इरफान खान ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इरफान की ऐसी कई तस्वीरें, कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं जहां पर वो अपनी फिल्मी करियर को लेकर किस तरीके से मोटिवेट हुआ करते थे और उनका स्ट्रगल पीरियड कैसा था उसे बताते हुए भी नजर आ जाते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि आपको ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी। तब तक के लिए द न्यूज़ इंडियन के साथ बने रहिए।